बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़, जिसने अपने करियर की शुरुआत सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल से की थी। नेहा कक्कड़ यूट्यूब पर भी काफ़ी एक्टिव है। नेहा का गाना मिले हो तुम हमको इंडिया म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे हिट गानों में से एक है। अगर नेहा के फैमिली और बैकग्राउंड की बात की जाए तो नेहा कक्कड़ ऋषिकेश की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। खबरों की माने तो नेहा कक्कड़ ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत माता की जगरातों में गाना गाकर की थी। उनके आर्श और फर्श तक की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बता दें कि नेहा कक्कड़ की सक्सेस स्टोरी और साथ ही आज हम आपको बताएंगे नेहा कक्कड़ की जिंदगी के कई बड़े सच। नेहा कक्कड़ जिसका जन्म 6 जून 1988 को ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ, बाद में नेहा का परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। नेहा को बचपन से ही सिंगिंग का शौक था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी संगीत आइडियल बड़ी बहन सोनू कक्कड़ को मानती है। नेहा ने अपनी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ को गाते हुए देखा और गाना शुरू कर दिया। नेहा बचपन से ही दिल्ली में माता के जगराते में गाना गाया करती थी। नेहा बताती है कि वो कई बार माता की चौकी में गाते हुए सो जाया करती थी। इस तरह उनका बचपन म्यूजिक में को एंजॉय करते हुए बीता। नेहा ने दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, लेकिन बहुत ही कम फैंस को ये पता होगा कि आखिर नेहा ने अपनी पढ़ाई कितनी की है। तो आपको बता दें कि नेहा अपना स्कूल पूरा नहीं कर पाई थी। नेहा ने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है, इसलिए नेहा का कक्कड़ उस समय नेहा कक्कड़ के एग्ज़ाम थे और उसी समय नेहा इंडियन आइडल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। नेहा को स्टडी और पैशन में से किसी एक को चुनना था। नेहा ने अपने पैशन को चुना और पढ़ाई को अलविदा कह दिया। नेहा कक्कड़ ने अपने करियर की शुरुआत 2006 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल टू से की थी। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि नेहा कक्कड़ ने अपनी पढ़ाई को खिंच करके अपने पैशन को चुना था और इंडियन आइडल में वो टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन उसके बाद वो फाइनल में हार गई। उस समय नेहा को काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद नेहा ने अपनी एक एल्बम निकाली, नेहा द रॉकस्टार के नाम से। इस एल्बम के बाद तो नेहा को जैसे पंख मिल गए हों। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को एक के बाद एक जबरदस्त गाने दिए। इस बीच नेहा ने यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग ली है। नेहा ने यूट्यूब पर आने वाले सॉन्ग्स अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। ये है पूरी कहानी नेहा कक्कड़ की, जिसे सोचकर भी डर जाती है नेहा। नेहा को तकलीफ और दर्द होता है ये सोचकर, जब उनका वक्त बेहद ही ख़राब था बचपन में, जब उन्हें खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता था और कोई पूछता नहीं था उन्हें खाना खाने के लिए। लोग कई सारी बातें इनके परिवार के लिए करते थे, बेटियों के लिए करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी नेहा कक्कड़ गाना गाना नहीं छोड़ी। और नेहा कक्कड़ ने यूं ही अपने गाने को आगे जारी रखा, जिसकी वजह से आज नेहा कक्कड़ के नाम से ही उनके पूरे परिवार को जाना जाता है। नेहा कक्कड़, टोनी कक्कड़ और सोनू कक्कड़ आज काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट 9 लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।